हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने रेडमी के मोबाइल में टॉक बैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके फोन में टॉक बैक प्रॉब्लम है दोस्तों, डबल टैप टू एक्टिवेट प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करूँगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले आइकन पर क्लिक करना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो टॉक बैक प्रॉब्लम है और आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ही सॉल्व करोगे दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम फोन को अनलॉक करना सीखते हैं। सबसे पहले आप इसको टू फिंगर से अनलॉक कर सकते हो, वन फिंगर से नहीं कर सकते। टू फिंगर से स्वाइप करोगे अनलॉक हो जाएगा आपका फोन। कोई पैटर्न वगैरह है पिन है एंटर कर सकते हो, वन टैप से हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल टैप करोगे, अब यहाँ पर आपको टू फिंगर से स्क्रॉल करना है, फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है डबल टैप से ही। फोन की सेटिंग ओपन होने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको किसी भी एक सेटिंग पे क्लिक करना है या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप किसी भी एक सेटिंग पे क्लिक कर देना और फिर ये हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग में जाना है दोस्तों आपको, यहाँ पे डबल टैप करना है और दोस्तों एडिशनल सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इस पर फिर डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो विजन सेटिंग, और यहाँ पर आपको फिर से डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टॉक बैक यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। टॉक बैक पे वन टैप करके डबल टैप करोगे और फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो यूज़ टॉक बैक, वन टैप करके वापस से डबल टैप कर देना है और स्टॉप बैक क्लिक करके डबल टैप। दोस्तों आपके फ़ोन में टॉक बैक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है और अपने फ़ोन को दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी टॉक बैक प्रॉब्लम के। आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, अनलॉक करना चाहते हो अनलॉक कर सकते हो बिना किसी टॉक बैक प्रॉब्लम के। दोस्तों इस तरीके से टॉक बैक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों एक और तरीका टॉक बैक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं आपको वो भी बताता हूँ। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाना है और इसको मैं वापस से इनेबल मतलब ऑन कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। अब दोस्तों इसका जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग को वापस से ओपन करना है। ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से डबल टैप करके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है TALKPACK मतलब टॉक बैक। यहाँ पर दोस्तों हम सर्च कर लेते हैं, टॉक बैक आ जाएगा। टॉक बैक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डबल टैप कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ टॉक बैक। आप इस तरीके से शॉर्टकट सेटिंग से भी टॉक बैक दोस्तों किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ पर आप किसी भी एंड्रॉयड के फोन में डबल टैप से इसको सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको टॉक बैक सेटिंग यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी वगैरह ले सकते हो, हम इसको कैसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर हम टॉक बैक को ऑन करते हैं, और इसको ऑफ़ करने का तरीका भी दोस्तों यहाँ पर आप और भी तरीके से ऑफ़ कर सकते हो। एक और तरीका दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है वॉल्यूम की से मतलब जो आपके जो वॉल्यूम से यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड बोथ वॉल्यूम की फॉर अ फ्यू मिनट्स तो टॉक बैक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।